धनतेरस शुक्र मध्य यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धनवंतरी की पूजा का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में सकनंद पुराण में लिखा है कि इस दिन देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिस कारण इस धनतेरस के साथ साथ धनवंतरी जयंती भी मनाई जाती है। अब हम बताते हैं आपको इस दिन आपको धनतेरस की पूजा किस तरह से करनी है। धनतेरस पूजा में सबसे पहले संध्या को यम दीप की पूजा की जाती है, उसके बाद भगवान धनवंतरी की पूजा होती है और फिर गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यम की पूजा आपको धनतेरस पर कैसे करनी है। चौकी को धोकर सुखा लें, उस चौकी के बीचों बीच रोली घोल कर स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक पर सरसों के तेल का दीपक वो जो गेहूं के आटे से बनाया हुआ हो उसे जलाएं। उस दीपक में छेद वाली कोड़ी को डाल दें। अब दीपक के चारों ओर गंगा जल से 3 बार छींटा दें। अब हाथ में रोली लें और रोली से दीपक पर तिलक लगाएं। अब रोली पर चावल लगाएं। अब दीपक के अंदर थोड़ी चीनी शक्कर डाल दें। अब 1 रुपए का सिक्का दीपक के अंदर डाल दें। दीपक पर फूल समर्पित करें। सभी उपस्थित जन दीपक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और यम देव हमारे घर पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करना, ऐसा कहें। फिर सभी सदस्यों को तिलक लगाएं। अब दीपक को उठाकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी ओर रख दें। तो ये तो हुई यम की पूजा। अब हम आपको बताते हैं कि धनवंतरी की पूजा आपको किस तरह से करनी है। अपने पूजा घर में बैठकर धूप दीप घी के दिए द्वारा भगवान धनवंतरी का पूजन करें। पूजा के बाद धनवंतरी के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम धन धनवंतरी नमः। जाप के पूर्ण करने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान धनवंतरी, ये जाप आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जाप के पूर्ण करने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान धनवंतरी, ये जाप आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। धनवंतरी की पूजा हो जाने पर अंत में गणेश लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसी की जानकारी के साथ हम फिर से लौटेंगे। नमस्कार।